आइए हम आपको आज भारत दर्शन में, भारत तीर्थ दर्शन में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कोटा तहसील और कोटा ब्लॉक के टाटीधार गांव में स्थित मरही माता जी मंदिर का आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए यहाँ पे श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगभग हर समय आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लगभग कोटा ब्लॉक से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आने जाने के लिए आप फोर व्हीलर टू व्हीलर का उपयोग कर सकते हैं, आसानी से मरही माता जी के तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपको दुकान भी देखने के लिए मिलेंगी जो कि आपको श्रद्धालुओं का लिए सुविधाजनक है। यहाँ पर लगभग हर समय भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा मिलेगा। ये देखिए आप, ये मेन रोड से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप आराम से माता जी का दर्शन कर सकते हैं। आगे हम मंदिर का बाहर से दर्शन करा सकते हैं क्योंकि मंदिर ले जाना, मोबाइल ले जाना मंदिर के अंदर वर्जित है, इसलिए हम आपको बाहर से ही माता जी का मंदिर करा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। और ये मंदिर जाने के लिए आपको रेलवे ट्रैक क्रॉस करना पड़ता है। ये देखिए रेलवे ट्रैक के पास बनाइए, रेलवे स्टेशन से आने की सुविधा है। ओवर टैंक जो कि पिंड्रा और से लगभग 30-40 किलोमीटर के आसपास है। ये देखिए पिंड्रा रोड से, ये देखिए भव्य मंदिर, रेलवे के पास बनाइए मरही माता जी का मंदिर। ये देखिए यहाँ पर सब लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, मन्नत पूरी करने के लिए ही सब लोग अपना नरियर चुनरी बांध के गए हैं ताकि मनोकामना पूरी होने पर यह नारियल और चुनरी को खोला जा सके। ये देखिए आपको खूब आओगे नहीं क्या अंदर श्रद्धालुओं का जमा बड़ा। आज शाम के 4 बजने को है इसलिए भीड़ कम है। अभी मंदिर में साफ सफाई का काम चलता हुआ, ये देखिए
आने जाने के लिए रास्ता देखिए ताकि वो समस्या ना हो। जय माता दी, जय माता दी, जय बजरंगी। जय माता दी। ये देखिए यहाँ मेन गेट में बहुत है, ये मरही माता मां का मंदिर जंगल के बीचों बीच टाटीधार गांव में ब्लॉक कोटा से लगभग 65 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर आप आकर दर्शन और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप बाइक के साथ कार में भी आ सकते हैं, जो कि कच्चे रास्ता से लगभग मेन रोड से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर स्थित है, उधर क्या है दादा, उधर कुछ नहीं ना। ग्राम पंचायत टाटीधार में स्थित मरही माता जी का मंदिर का आप दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी।